हाय एवरीवन, तो मैं आप लोगों को फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। तो मैं आज बहुत जल्दी उठ गई हूँ और मेरे लिए ही अच्छा है कि मैं जल्दी उठ पाई हूँ। मैं जल्दी उठना ट्राई करती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी उठने से मन अच्छा फील होता है। तो आज जल्दी ही उठ गई। अभी बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है तो बहुत अच्छा ही लगेगा ना, सुबह सुबह जल्दी उठो और बारिश भी आ रहा है तो ठंडा ठंडा मौसम है तो अच्छा लग रहा है। तो मैं उठ गई हूँ, तो मैं और भी पहले उठी थी। मैं जल्दी जल्दी उठ के मैं फ्रेश हो गई थी, तो फ्रेश होने के बाद मैं अभी वीडियो कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। कुकिंग सब खत्म हो चुका है तो अभी क्या काम बाकी है? तो काम बाकी है मेरा वर्कआउट करना, क्योंकि मैं सुबह उठ के ही वर्कआउट नहीं करती। पहले उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ, उसके बाद खाना पकाती हूँ, तो उसके बाद जाके मैं वर्कआउट करती हूँ, तो उसके बाद जाके नहा के फ्रेश होके बाकी जो काम है वो करती हूँ। तो चलो काम स्टार्ट करते हैं, तो मैं भी वर्कआउट स्टार्ट करती हूँ। तो मेरा वर्कआउट भी ख़त्म हो चुका है। आज इतना मेरा पेट दर्द कर रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, बात करने का भी एनर्जी नहीं है मेरे ऊपर। तो मैं आप लोगों के साथ में बाद में बात करती हूँ, जब मेरा एनर्जी लेवल एकदम फुल हो जाएगा तब जाके मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, तो हम लोग निकल चुके हैं, मैं और मम। मैं मम को आज फिर से लेके जा रही हूँ डॉक्टर पे। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट दिया था तो आज है वो, तो मैं उसको लेके जा रही हूँ तो टेस्ट करवाने के लिए। तो हम लोग निकल चुके हैं, तो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। पहुँच के मैंने सब बिल पे करके बुकिंग कर दिया है, तो हम अभी वेट करें, हमारा बारी कब आएगा। तो चलो मस्त ऐसी है, ठंडा है, गर्मी का मौसम है तो ऐसी का मज़ा देते हैं थोड़ा। तो फाइनली हमारा बारी आ चुका है, अभी मोम का करेंगे वो लोग ईसीजी। तो ईसीजी के बाद करेंगे वो 24 आवर वाला होल्टर। तो अभी मैं अंदर पे बैठी हूँ, तो अभी सब टेस्ट वगैरह सब स्टार्ट करेंगे वो लोग। तो मैं यहाँ पे बैठ बैठ के थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी, तो सिस्टर ने तो स्टार्ट कर दिया है प्रोसेस जो करना है। मॉम तो बेड पे लेटी हुई है, तो मैं इधर वीडियो कर रही थी तो मुझे दिखा ये बहुत बड़ा वाला ट्रेडमिल। तो मम का पहला प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, ईसीजी ख़त्म हो चुका है। तो अभी वो लोग लगाएंगे मम के शरीर में मशीन जो है 24 आवर्स के लिए, तो उसका नाम है 24 आवर होल्डर। तो अभी वो लोग लगा रहे हैं, प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने ये ब्लैकी से, आप लोग ने ब्लैकी से नहीं मिला, बहुत दिन हो गए होगा, आप लोग भी ब्लैकी को मिस कर रहे होगे ना। तो ये लो आपका ब्लैकी, आप लोगों के पास आ गया फिर से ब्लैकी। ब्लैक ब्लैकी ब्लैक, से हाय से हाय ब्लैकी ब्लैक। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। सो फाइनली हम घर पे आ गए हैं। इतना गर्मी, बाप रे बाप। जो हम जब सेंटर के अंदर थे वहाँ पर तो ऐसे था, तो ठंड लग गई थी वहाँ पर। तो जब
जस्ट बाहर आए तो इतना गर्मी, क्या बताओ हम लोगों को। तो फाइनली हम अभी घर पे पहुंच ही गए हैं। तो अभी मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, तो मैं थोड़ा रेस्ट, थोड़ा सो लेती हूँ। इतना गर्मी था, दूध के पीछे पड़ा है तो मुझे ये देखो उसका। अरे दूध छोबो, दूध दूध दूध। अरे डिस्टर्ब, इतना गर्मी था तो मैं बेड के ऊपर सोई थी, नहीं सोया बट रेस्ट करी थी। तो फैन का हवा भी इतना गर्मी था तो मैं फ्लोर पे आ गई, फ्लोर पे तो मुझे चाय पीना था तो चाय नहीं है। तो मैंने भैया को बोला कि दूध ख़त्म होगा, दूध चाहिए आकर, तो भैया ने दूध लेके आया। तो मैं अभी चाय बनाती हूँ क्योंकि अभी भी मेरा सर दर्द कर रहा है। सोचती हूँ पर नींद भी नहीं आई, तो चलो चाय पी के देखती हूँ कि थोड़ा सर दर्द कम हो जाएगा। क्योंकि मुझे इवनिंग को मुझे आज भगवान का सामान लेने के लिए भी जाना है। तो चलो चाय बनाते हैं। तो मैं मार्केट से आ गई, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैंने आज क्या क्या लाया। तो आज सब है यहाँ पे, सब है भगवान का सामान, क्योंकि कल मुझे फास्टिंग रखना है शिव जी का। तो बहुत सारा मैं यहाँ पे सब फूल वगैरह, यहाँ पे दूध, फिर फ्रूट्स, यहाँ पे सब फ्रूट्स है, और सॉरी यहाँ पे कैंडल है। तो ये सब फ्रूट्स लाया मैंने, इतना सारा बाजार करके लाया। तो ये है मेरा फ्लिपकार्ट का पर्सल। तो मैंने शैम्पू ऑर्डर किया था, तो शैम्पू 1 लीटर का, तो कितना बड़ा बॉक्स में आया है। तो देखती हूँ मैं खोल के, अभी तक मैंने पैकेज नहीं खोला है, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ खोल के। लीटर शैम्पू के लिए कितना बड़ा बॉक्स भेजा है उन लोगों ने। फिर भी अच्छा है क्योंकि अच्छे से पैकिंग करके बेचना चाहिए ना, क्योंकि कभी इतना सारा बोलो पर्सल आता है इतना दूर से तो कभी ख़राब भी हो जा सकता है। तो उसका प्राइस है 1065, तो मुझे ये ऑफ़र में मिला 459 या 49 समथिंग में मिला मुझे ऑफ़र पर, क्योंकि ये मेरा फेवरेट शैम्पू है।